नाउ द नेक्स्ट वन इज माय स्टडी रूम, मेरा पढ़ने का कमरा। तो हमारे स्टडी रूम में क्या क्या होता है? हमारे स्टडी रूम में बहुत सी अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप सबका स्टडी रूम होगा और उसमें आपने अलग अलग चीज़ों को रखा होगा। स्टडी रूम में हम बैठकर पढ़ाई करते हैं जिससे हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। तो चलिए अब हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो हम अपने स्टडी रूम में रखते हैं। नंबर वन, कंप्यूटर टेबल। हमारे स्टडी रूम में कंप्यूटर टेबल होती है जिस पर कंप्यूटर रखते हैं और हम अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज बुक्स, सबसे ज़रूरी। अगर स्टडी रूम में बुक्स नहीं होगी तो हम क्या पढ़ेंगे? इसीलिए हम क्या रखते हैं? बुक्स को रखते हैं। इरेजर, काम करते हुए लिखते हुए अगर कोई चीज़ गलत हो गई तो हम किसका यूज़ करेंगे? इरेजर का। नेक्स्ट, चार्ट। हमारे स्टडी रूम में डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स लगे होते हैं। स्टडी टेबल, कंप्यूटर टेबल होती है और क्या होती है? स्टडी टेबल, जिस पर चीज़ों को रखकर हम पढ़ते हैं। किन चीज़ों को रखकर? बुक्स और नोटबुक को। द नेक्स्ट वन इज़ ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स में क्या क्या होता है? अलग अलग चीज़ें होती हैं लाइक कंपास, स्केल, डिवाइडर एक्सेट्रा। ज्योमेट्री बॉक्स का यूज़ हम मैथ्स के लिए करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कंप्यूटर सिस्टम। मोस्टली सबके स्टडी रूम में क्या होता है? कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर से भी हम क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। चेयर, कंप्यूटर रूम में क्या होती है? चेयर, चेयर पर बैठकर हम पढ़ते हैं। पेन और पेंसिल का यूज़ हम नोटबुक में स्कूल का काम करने के लिए करते हैं, लेकिन छोटे बच्चे किससे काम करते हैं? पेंसिल से, और बड़े बच्चे पेन से काम करते हैं। शार्पनर का यूज़ किस लिए किया जाता है? शार्पनर का यूज़ पेंसिल को शार्प करने के लिए करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ बुक शेल्फ। सबके स्टडी रूम में बुक शेल्फ होती है और बुक शेल्फ में हम क्या रखते हैं? अपनी बुक्स को रखते हैं। नाउ द टाइम टू गिव सम आंसर। वेयर डू यू डू योर होमवर्क? आप अपना होमवर्क कहाँ करते हैं? वी डू आर होमवर्क इन स्टडी रूम, STUDY, स्टडी ROOM, रूम। वेयर डू यू कीप योर बुक्स? आप अपनी बुक्स कहाँ रखते हैं? वी कीप आवर बुक्स इन बुक शेल्फ, BOOK, बुक शेल्फ, SHELF, बुक शेल्फ। नेक्स्ट वन, डू यू हैव अ कंप्यूटर सिस्टम इन योर स्टडी रूम? आपको बताना है कि आपके स्टडी रूम में कंप्यूटर है या नहीं। इफ येस देन टिक ऑन येस, इफ नो देन यू हैव टू टिक ऑन नो। नाउ द टाइम फॉर मेमोरीज। यू शुड ऑलवेज कीप योर बुक्स प्रॉपरली इन योर बुक शेल्फ। आपको हमेशा अपनी बुक्स को प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए। कहाँ पर? बुक शेल्फ में। अपनी किताबों को बहुत संभाल कर रखिए, उनको अपनी सही जगह पर रखिए।